दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिक एवं कूटनीतिक थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों बस अपने हाथ ऊपर करके ये शब्द बोल दो, आपकी प्रेमिका जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, जिस भी हाल में होगी, वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी, आपकी बाहों में आ जाएगी, आपके नाम की माला जपने लगेगी। बस आप एक बार ये शब्द बोल दो। आखिर कौन सा शब्द है जो कि आपको आपके प्यार से मिला सकता है, वो जानने के लिए आज के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको आपकी हर एक मुसीबत में आपका साथ देंगे, क्योंकि भगवान को आप याद करेंगे तो मुसीबत में भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। अगर दोस्तों आप अपने प्यार से दूर हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं और यही गम आपको सता रहा है और आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो बस आप एक वीडियो पूरा देख लो। मैं आपसे आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि आपका प्यार आपकी बाहों में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं, तीन बार बोलना है यम यम यम। अगर आप तीन बार ये बोलते हैं और तीन बार अपनी प्रेमिका का नाम बोल दें, ऐसा करने से आपकी प्रेमिका जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, जिस भी हाल में होगी, आपके प्यार में पागल हो जाएगी, तड़पने लगेगी, आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाएगी, हर पल आपके बारे में सोचने लगेगी। बस आप ये उपाय कर लो। दोस्तों सच्ची मोहब्बत पाने के लिए आप ये उपाय कर लो, वो जीवन भर में वो आपसे कभी भी दूर नहीं रह पाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो ये उपाय करके आप किसी भी स्त्री को अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।